हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीए याचना मोथा भूरट। बेटा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं भाई कस्टम का, किससे? समरी बुक से। ये समरी बुक आपके पास नहीं है तो आपने कहां से डाउनलोड करनी है बेटा? www.icaleague.com से आप ये समरी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटी कस्टम्स की समरी बुक, जीएसटी कस्टम्स का क्वेश्चन बैंक, लिस्ट ऑफ सेक्शन, अमेंडमेंट बुकलेट, ऑल आर अवेलेबल इन द फ्री रिसोर्सेज। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको डाउनलोडिंग में कोई इश्यू आ रही है तो, दे विल हेल्प यू। ठीक है, इसके अलावा बेटा नेक्स्ट टर्निंग के लिए यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स मुझे कॉल कर रहे हैं उन्हें मैं क्लियरली बता दूं कि हाँ, यस, फ्रेश बैचेस अवेलेबल यहाँ पे आपके लिए, न्यू रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। और आप क्या कर सकते हैं, आप इसी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। और आपको कुछ उसमें डाउट है तो आप इन नंबर्स पे क्या कर सकते हैं, कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। अबाउट द कोर्स का एक वीडियो भी मैंने डाला हुआ है यहाँ पे 10 to 15 minutes का, जिसमें कोर्स में क्या क्या है, कौन सी बुक्स मिलेगी, क्या क्या फ्लो में कवर किया है एंड ऑल दैट, सारा कुछ डिटेल में 10 to 15 minutes के बीच का एक वीडियो है, वो आप एक बार देख लीजिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे इस नंबर पे या मुझे किसी से भी आप ये डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस हेल्प कर रहे हैं तो आप लाइक कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे समरी बुक हम जैसे डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वैल्यूएशन वाला चैप्टर, वैल्यूएशन अंडर द कस्टम्स एक्ट। कस्टम्स में जो वैल्यूएशन के प्रोविजन है वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर से 99% पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हमने डिटेल में डिस्कशन किया था थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सारे सॉल्व करके देखे थे, फिर कुछ एडिशनल क्वेश्चन पर प्रैक्टिस आपके लिए डाले थे, वो आपको सॉल्व करके देखने हैं अभी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट्स एक बार। अब यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ द कस्टम्स ड्यूटी, क्या क्या वैल्यू रहेगी बेटा, वैल्यू क्या लेनी रहेगी। वैल्यू का यहाँ पर जीएसटी में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। वैल्यू मतलब क्या, तो यहाँ कस्टम्स में वैल्यू मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू, इंपोर्ट के केस में भी, एक्सपोर्ट के केस में भी। वैल्यू इज व्हाट बेटा, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या रहेगी, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द गुड्स व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू और फ्रॉम इंडिया। मतलब प्राइस एक्चुअली जो भी पे करना है या पेएबल है, फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। किस टाइम का टाइम लेंगे, टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन का इंपोर्ट के केस में, एक्सपोर्टेशन का एक्सपोर्ट के केस में। वेयर द बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सेल, एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सेल, इन दैट केस द वैल्यू वुड बी व्हाट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब क्या, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल किस चीज के लिए, व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू और फ्रॉम इंडिया। और किस टाइम का यहाँ पे आपको वैल्यू लेना, डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन इंपोर्ट के केस में, टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन एक्सपोर्ट के केस में। बायर और सेलर रिलेटेड नहीं होना चाहिए और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। अब कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे आपको सीबीआईसी नोटिफाई करती है टैरिफ वैल्यू फॉर एनी क्लास ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड, और उस केस में वैल्यू क्या लेंगे, टैरिफ वैल्यू लेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं लेंगे। सीबीआईसी प्रिस्क्राइब करेगी कि भाई इतनी टैरिफ वैल्यू, इतनी वैल्यू रहेगी इस गुड्स की, इस दिन की ये वैल्यू, तो टैरिफ वैल्यू लेंगे। उस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू को इग्नोर करना है और वैल्यू क्या लेना बेटा, टैरिफ वैल्यू लेंगे, टैरिफ वैल्यू लेंगे। अब इंपोर्ट के केस में बेटा, इंपोर्ट के केस में असेसेबल वैल्यू होती है सीआईएफ। व्हाट डू मीन बाय सीआईएफ बेटा, यहाँ पे सीआईएफ आपको पता है कॉस्ट, यहाँ पे इंश्योरेंस एंड फ्रेट पूरा जो रहता है वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे असेसेबल वैल्यू हो जाता है। एक्सपोर्ट के केस में एफओबी होता है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको एक बार बताती हूँ। प्राइस कहाँ का लेना है आपको, इंपोर्ट कमेंस यहाँ पे हो गया था, कंप्लीट यहाँ पे हुआ था, हमने देखा था कमेंस कब होता है, जब टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस किया, कंप्लीट कब हो गया इंपोर्ट, हमारे यहाँ पे मास ऑफ द कंट्री का यहाँ पे पार्ट बन गया तब। तो प्राइस कब का लेना है, प्राइस एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन लेना है। प्राइस आपको कब का लेना है बेटा, प्राइस एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन का आपको प्राइस लेना है। ठीक है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट उसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि इंपोर्ट का प्राइस आपको यहाँ का लेना है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूएस से इम्पोर्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे को यूएस का प्राइस नहीं लेना। प्राइस कब का चाहिए मेरे को, वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू यहाँ पे कब की चाहिए, एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन का। तो यहाँ पे कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट सब यहाँ पे, रास्ते का इंश्योरेंस फ्रेट इंक्लूड होकर के क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे सीआईएफ वैल्यू आएगी इंपोर्ट के केस में, इंपोर्ट के केस में। अब मैं कुछ एक्सपोर्ट जब कर रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेरे गुड्स है यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही हूँ, एक्सपोर्ट में यूएस कर रही हूँ, यहाँ एक्सपोर्ट के केस में प्राइस कब का लेना है, एक्सपोर्ट के केस में मैम उन लोगों ने बोला है प्राइस देना एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन, तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा एफओबी। यहाँ का प्राइस लेना है, यूएस का प्राइस नहीं लेना है, यूएस का प्राइस नहीं लेना है,
इंडिया का प्राइस लेना है, दोनों केस में इंडिया का प्राइस लेना है। तो इंपोर्ट के केस में हमने कौन सा प्राइस लेना है, बहुत डिटेल में भी नहीं जाएंगे बेटा। इंपोर्ट के केस में यहाँ पे एसेसेबल वैल्यू जो रहेगी हमारी सीआईएफ रहेगी, और एक्सपोर्ट के केस में क्या रहेगी बेटा, एफओबी रहेगी। एफओबी रहेगी जिसपे ड्यूटी लगेगी, ड्यूटी लगेगी। नेक्स्ट, रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। मैंने गुड्स इंपोर्ट किए, मैंने गुड्स इंपोर्ट किए तो मैं रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन का लूं? ड्यूटी का रेट चेंज होता रहा, कभी 20% कभी 10%, में रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन का होता है भाई, और टैरिफ का वैल्यू किस दिन का होता है? टैरिफ का वैल्यू अगर मेरे को टैरिफ वैल्यू के हिसाब से करना है, ठीक है, जहां पे गुड्स गवर्नमेंट ने टैरिफ वैल्यू फिक्स करी वहां पे आपने ट्रांजैक्शन वैल्यू इग्नोर करनी और वैल्यूएशन टैरिफ वैल्यू पे रहेगा, ठीक है। तो मैं रेट ऑफ ड्यूटी या टैरिफ वैल्यू किस दिन का लूं, किस दिन का लूं? तो बेटा आप दो तीन चीजें, अब मैंने गुड्स अगर इम्पोर्ट किए तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ? एक तो मैं क्या करूंगी भाई, मैं या तो गुड्स को क्लियर कर लूंगी होम कंजम्पशन के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि भाई मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, ड्यूटी पे करी, मेरे को ऑफिसर ने ऑर्डर दिया होम कंजम्पशन, मैं मेरे इंपोर्टेड गुड्स घर लेके चले गए, घर लेके चली गई। या तो मैं गुड्स को वेयर हाउस में रखूंगी, अब मेरे पास क्या है, बहुत ज्यादा पैसे है नहीं, बहुत ज्यादा पैसे है नहीं मेरे पास में कि मैं यहाँ पे ड्यूटी पे कर सकूं, मैंने बहुत सारे यहाँ पे गुड्स मंगवा लिए, या मेरे पास जगह नहीं है, तो मैंने क्या करना है, मैं कस्टम के पास वेयर हाउस में रखवा दूंगी। धीरे धीरे करके मैं जैसे जैसे मेरे पास पैसे रहेंगे या जगह रहेगी मैं गुड्स क्लियर कर रही हूँ। तो वेयर हाउस के केस में बेटा दो यहाँ पे बॉन्ड्स निकल आते हैं, एक तो आप इनटू बॉन्ड फाइल करते हो और एक एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो। तो जब आप यहाँ पे गुड्स को वेयर हाउस में यहाँ पे डाल रहे हो उस टाइम पे इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, जब वेयर हाउस से निकालोगे होम कंजम्पशन में जाओगे तब आप एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, अभी समझता जाएगा। और अब क्या हुआ, क्या बात कर रहे थे, रेट ऑफ ड्यूटी या टैरिफ वैल्यू इंपोर्टेड गुड्स में किस दिन का लेना। तो अगर मैंने गुड्स होम कंजम्पशन पे लिए, मतलब कि मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, पैसे वैसे दिए, मैं अपने गुड्स घर लेके जा रही हूँ, तो उस केस में रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन का लेना? लेटर ऑफ व्हाट, लेटर ऑफ व्हाट बेटा? फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और डेट ऑफ एंट्री इनवर्स टू वेसल और अराइवल ऑफ व्हीकल और एयरक्राफ्ट। मतलब कि जब आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी होम कंजम्पशन के लिए तब की डेट, या आपके वेसल को यहाँ पे क्या हुआ, आपके वेसल को एंट्री इनवर्ड्स मिली है, या आपका वेसल को एंट्री इनवर्ड्स मिली है, या जब आपका एयरक्राफ्ट या यहाँ पे व्हीकल आया है। लेटर ऑफ दीज टू, लेटर ऑफ दीज टू व्हाट, क्या? डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और एंट्री इनवर्ड्स और अराइवल, विच एवर इज लेटर, उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लेना, उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लेना। अब आपको एग्जाम में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे उसमें इसे अलग अलग डेट्स वगैरह दी हुई रहेगी कि भाई बिल ऑफ एंट्री जिस दिन फाइल किया उस दिन रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी ये है, जिस दिन एंट्री इनवर्ड्स हुआ उस दिन रेट ऑफ ड्यूटी ये है, तो आपको उसके हिसाब से जज करना रहेगा। अब आप अगर आप उसको क्लियर कर रहे हो वेयर हाउस से, तो डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज प्रेजेंटेड, जिस दिन होम कंजम्पशन आपने गुड्स वेयर हाउस में रखा है, तो उस केस में जिस दिन आप होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो वो दिन के डेट की रेट ऑफ ड्यूटी या टैरिफ वैल्यू लेंगे एज द केस में भी। एनी अदर गुड्स आपके स्मगल गुड्स हैं तो फिर उस केस में फॉर एग्जांपल तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी रहेगा। ये किसकी बात है, इंपोर्टेड गुड्स की, इंपोर्टेड गुड्स की, ठीक है। इसमें भी अपने बहुत प्रॉब्लम्स किए थे, ये तीनों पॉइंट्स पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए थे। एक्सपोर्ट गुड्स के केस में वापस से रिपीट करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में ये पॉइंट काम आना ही आना है। होम कंजम्पशन के लिए इंपोर्टेड गुड्स होम कंजम्पशन के लिए जा रहे हैं तो लेटर ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और एंट्री इनवर्ड्स और अराइवल विच एवर इज लेटर इन केस ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस देन डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल इन केस ऑफ एनी अदर गुड्स डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। और बेटा इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के केस में जैसे कि देखा डेट ऑफ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, जिस दिन आप लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको ऑफिसर देता है, जिस दिन आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑफिसर देता है उस दिन का यहाँ पे आपको क्या लेना है, रेट ऑफ ड्यूटी या टैरिफ वैल्यू लेना है। एनी अदर गुड्स फॉर एग्जांपल स्मगल गुड्स है, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी रहेगा, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी रहेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट में हम जाते हैं तब हमने देखा यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है वो शिपिंग बिल फाइल करता है, ऑफिसर उसको एग्जामिन करता है, फिर वो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देता है, तो जिस दिन ऑफिसर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दे रहा है उस दिन का दिन लेंगे हम यहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटी या टैरिफ वैल्यू के लिए। किसकी बात हुई, रेट ऑफ ड्यूटी टैरिफ वैल्यू के लिए। अब रेट ऑफ एक्सचेंज, यूएस में जा रहे हैं कन्वर्ट तो करना पड़ेगा यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट, यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी जो भी आप पे कर रहे हो, तो रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का लूं? एक तो रेट ऑफ एक्सचेंज किसका लेने का है, सीबीआईसी का लेने का, आरबीआई वरबीआई का नहीं लेना, क्वेश्चन में दिया रहेगा सीबीआईसी का लो। इंपोर्टेड गुड्स के केस में जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं उसका रेट ऑफ एक्सचेंज लो। देखो 99% एग्जाम में क्वेश्चन इंपोर्ट का ही आता है, एक्सपोर्ट का नहीं पूछते हैं ज्यादातर, एक्सपोर्ट में ज्यादा एडजस्टमेंट ही नहीं, डायरेक्ट एफओबी प्राइस लेना। इंपोर्ट में बहुत सारे इंश्योरेंस के, फ्रेट के और बाकी सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में इंपोर्ट के आने के ज्यादा चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज किसका लेना है, सीबीआईसी का लेना है। इंपोर्ट के केस में डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री का लेना है। वेयर हाउस गुड्स के केस में
डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इंटू बॉन्ड, इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री जो है इंपोर्ट किया, और आपने क्या किया जब जिस दिन आप इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो उस दिन का आपको क्या लेना है बेटा, यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज देना है, और एक्सपोर्ट गुड्स के केस में जिस दिन आप शिपिंग बिल फाइल कर रहे हो, जिस दिन आप शिपिंग बिल फाइल कर रहे हो या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल कर रहे हो उस दिन का आपको रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है, रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है। ठीक है, तो अब एक बार मैं इसको ये दोनों को ब्रेक करके पढ़ूंगी, सिर्फ इंपोर्ट की बात करूंगी पहले फिर एक्सपोर्ट की बात करूंगी। लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं, इंपोर्ट के केस में होम कंजम्पशन के लिए लिया तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और एंट्री इनवर्ड्स विच एवर इज लेटर, वेयरहाउस के केस में जिस दिन हम होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं उस दिन का, एनी अदर गुड्स के केस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ये किसकी बात है इंपोर्ट की। अब इंपोर्ट ही किया है आपने, इंपोर्ट किया तो उस केस में रेट ऑफ एक्सचेंज कब का लेना है आपको, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टेड गुड्स के केस में, वेयरहाउस के केस में प्रेजेंटेशन ऑफ इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, और एक्सपोर्ट के केस में बेटा सिंपल बात है रेट ऑफ ड्यूटी तो हमको लेना है लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर का, हाउएवर रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट के लिए, बिल ऑफ एक्सपोर्ट का इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए थे अपन। ठीक है, अब बेटा ये जो फॉर्मेट है ना ये बढ़िया मास्टर फॉर्मेट है, ये देख के जाना एग्जाम के पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसी बेसिस पे हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हुए हैं। अब सबसे पहले आपकी एक्स फैक्ट्री कॉस्ट है उसमें क्या होगा, इंपोर्ट के केस में क्या लेना रहता है बेटा, सीआईएफ पे लगती ड्यूटी, सीआईएफ पे ड्यूटी लगती, तो आपको पहले सीआईएफ पे पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे, एक्स फैक्ट्री कॉस्ट, यूएस में जो एक्स फैक्ट्री कॉस्ट आपको अगर दी हुई है एग्जाम में, तो एग्जाम में आपको कुछ भी दे सकते हैं, डायरेक्ट सीआईएफ भी दे सकते हैं, एफओ भी दे सकते हैं, एक्स फैक्ट्री कॉस्ट दे सकते हैं, आपको याद रखना है आपको पहुंचना कहाँ है सीआईएफ पे। तो अगर एक्स फैक्ट्री कॉस्ट दी हुई है तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस एट द एक्सपोर्टर्स कंट्री, एक्सपोर्टर के कंट्री के ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऐड करोगे, हैंडलिंग लोडिंग चार्जेस आएंगे तो उसकी कंट्री का एफओ भी आ गया आपके पास, एफओ भी आ गया, उसमें कुछ एडजस्टमेंट होंगे 10-1 के और 10-2 के, एडजस्टमेंट होंगे 10-1 के और 10-2 के, वो आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप 10-1 के एडजस्टमेंट करोगे, कमीशन हो गया, इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क, रॉयल्टीज, लाइसेंस फीस, एनी अदर पेमेंट मेड एज अ कंडीशन ऑफ सेल, हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी, तो वो आप यहाँ पे क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। फिर आपकी एडजस्टेड एफओबी आ जाएगी जिसपे आप 10-2 के एडजस्टमेंट करोगे, मतलब कि फ्रेट के और इंश्योरेंस के एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग, वो भी हम पढ़ेंगे अभी। तो आपके पास सीआईएफ आ जाएगी, क्या किया आपने एफओबी पे आपने 10-1 के एडजस्टमेंट किए, फिर आपके पास एफओबी एडजस्टेड एफओबी आ गई, उसमें आपने फ्रेट ऐड किया, आपने इंश्योरेंस ऐड किया, तो आपके पास सीआईएफ आ गई। सीआईएफ पे क्या लगेगा बेटा, बीसीडी लगेगा, जो भी एप्लीकेबल रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी कब का लेना है, कब का लेना है, तो वो हमने अभी देखा कि रेट ऑफ ड्यूटी कब का लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटी फाइंड आउट करना है किस दिन का लेना है, और वो लगाएंगे। उसके ऊपर लगेगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज, बेटा सोशल वेलफेयर सरचार्ज अगर क्वेश्चन में नहीं भी पूछा है तो आपने लगा देना है, 10% ऑफ बीसीडी रहता है हमेशा, हमेशा 10% ऑफ बीसीडी रहता है, आपको वो लगा देने का। देन टोटल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ आईजीएसटी, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे जो भी आपके आईजीएसटी लगाने के लिए सारी चीजें इंक्लूड होगी बेटा, सारे टैक्सेस इंक्लूड होंगे। सीआईएफ में बीसीडी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज हो गया, उस पर आपके और भी अगर कोई ड्यूटी लगती हुई है वहां पे आपको, तो वो सारे इंक्लूड करके जो अमाउंट आएगा उस पर आपका आईजीएसटी लग जाएगा, और आपने आईजीएसटी लगा देना है, और फिर आपकी टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल है। इसके अलावा ये बीसीडी सोशल वेलफेयर सरचार्ज आईजीएसटी तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा अगर और भी कोई ड्यूटी दी हुई है तो वो भी आपको उसके हिसाब से ले लेनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एग्जाम के पहले बिल्कुल देख के जाना है, याद रखना है पहले 10-1 के एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टेड एफओबी आएगी, उसके बाद हम 10-2 के एडजस्टमेंट करेंगे। सीआईएफ पे ड्यूटी लगती है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्वेश्चन में नहीं दिया है तो भी हमको लगाना है। किसकी बात हो रही है, इंपोर्टेड गुड्स की बात हो रही है, इंपोर्टेड गुड्स की बात हो रही है। प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और क्लैरिटी आएगी, जिसने ऑलरेडी यहाँ पे क्लास ली हुई है, प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं, किसी और की भी क्लास ली हुई है, प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो उसे पढ़ने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। बेटा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उसको इतना शॉर्ट में नहीं समझेगा बेटा, डिटेल लेक्चर पढ़ो आप। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स टू बी अप्लाइड सीक्वेंशियली, यहाँ पे रूल्स के हिसाब से सीक्वेंशियली आएगा, वो हम देखते हैं कैसे कैसे रहेगा। रूल थ्री के हिसाब से तो भाई ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स रहेगी, वो हम देखेंगे उसमें सारे एडजस्टमेंट्स वगैरह कैसे होंगे। अगर रूल यहाँ पे अगर हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट होती है, रूल थ्री नहीं लग पाता है, फिर हम जाएंगे सीक्वेंशियली रूल फोर में, जिसमें आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू रहेगी, फिर सिमिलर गुड्स की वैल्यू रहेगी, डिडक्टिव वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू एंड रेसिडुअल वैल्यू। हम जाते हैं एक के बाद एक, हम लाइन से देखेंगे, सबसे पहले हम रूल थ्री जो है वो देखेंगे और 10-1 के एडजस्टमेंट्स देखेंगे। रूल थ्री क्या बोलता है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बायर फॉर डिस्पोजल ऑफ गुड्स। यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्ट होगी बेटा कब, जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बायर पे किस चीज से रिलेटेड, डिस्पोजल ऑफ द गुड्स के। सेल इज नॉट सब्जेक्ट टू कंडीशन फॉर विच वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड एंड नो फर्दर कंसिडरेशन अक्रू टू द सेलर अनलेस एडजस्टमेंट कैन बी मेड एज पर रूल 10। ये बहुत डिटेल रूल था, हम यहाँ पे बस इतना ही समझेंगे। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू कभी एक्सेप्ट होगी बेटा, ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्ट होगी अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है बायर ने कि भाई आप गुड्स डिस्पोज
नहीं कर सकते, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है बायर ने, उस केस में आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू यहाँ पे बायर के ऊपर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। या आपकी सेल ऐसी ही नहीं है कि भाई जिसकी कंडीशंस जो है, सेल इज नॉट सब्जेक्ट टू कंडीशन फॉर विच वैल्यू कैन बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि भाई ऐसी कंडीशन है कि तुम मुझे ये सेल करो, मैं तुम्हें ये बार्टर है या कुछ ऐसा है जिसकी वैल्यू ही डिटरमाइन नहीं कर पा रही, तो फिर उस केस में भी बेटा ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। नो फर्दर कंसिडरेशन अक्रू टू द सेलर अनलेस एडजस्टमेंट कैन बी मेड, और ऐसा कोई कंसिडरेशन सेलर के पास नहीं आ रहा। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि भाई मैं गुड्स इम्पोर्ट कर रही हूँ तो मैं आपको क्या प्राइस दूंगी, मैं यहाँ पे 50 लाख दूंगी प्लस 5% ऑफ जितने भी ये मशीन बिकेगी, ये यूनिक मशीन है, पता नहीं इसका क्या रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसका एडजस्टमेंट रूल 10 के हिसाब से नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ है कि भी रिस्ट्रिक्शन भी है बायर के ऊपर, फॉर एग्जांपल कि आप मुझसे ऐसा डिस्पोज करोगे, यहां डिस्पोज करोगे, ऐसे करोगे, तो उस केस में बेटा ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आप कहां जाओगे, रूल फोर ऑनवर्ड जाओगे। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है तो बेटा 10-1 और 10-2 के एडजस्टमेंट नहीं होंगे। 10-1 10-2 के एडजस्टमेंट्स क्या है, 10-1 में आपको क्या क्या यहाँ पे ऐड करना रहेगा, क्या एडजस्टमेंट्स है वो सब कुछ दिए हुए हैं। 10-2 में फ्रेट का, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का, इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू ही रिजेक्ट हो जाती है, ध्यान से सुनना, अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू ही रिजेक्ट हो जाती है तो रूल 10 के एडजस्टमेंट नहीं होगी। फिर आप वैल्यू किससे डिराइव करोगे, रूल 4 ऑनवर्ड्स आप वैल्यू डिराइव करोगे, रूल 4 ऑनवर्ड्स आप वैल्यू डिराइव करोगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले सेक्शन यहाँ पे रूल 10 के क्या एडजस्टमेंट्स है। रूल 10 के एडजस्टमेंट्स कब किए जाएंगे, मैंने जैसे कि क्लियरली बताया, रूल 10 के एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ तभी किए जाएंगे जब आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट की गई है। ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप रूल 10 के हिसाब से यहाँ पे क्या करोगे बेटा, एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले रूल 10 सब रूल 1 के एडजस्टमेंट्स देखते हैं। सो एडजस्टमेंट देखेंगे रूल 10 के, भाई फर्स्ट एडजस्टमेंट कमीशन ब्रोकरेज पैकिंग चार्जेस, बेटा पढ़ा था, जो भी इफ इनकर्ड बाय द बायर एंड नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। किसने इनकर किया बेटा, बायर ने इनकर किया, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल में ये यहाँ पे नहीं थे, तो आपने क्या करना है, उसको ऐड करना है। कमीशन ब्रोकरेज कौन सा ऐड करते हैं, सारे कमीशन ब्रोकरेज ऐड करते हैं एक्सेप्ट व्हाट बेटा, बाइंग कमीशन ऐड नहीं किया जाता, बाइंग कमीशन ऐड नहीं किया जाता। देन कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स विच आर बीइंग ट्रेडेड वन फॉर कस्टम पर्पस विद द गुड्स इन क्वेश्चन, और कॉस्ट इन कॉस्ट ऑफ पैकिंग जो भी है लेबर मटेरियल की, ये सब आप क्या करोगे बेटा, ऐड करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे। बाइंग कमीशन का मतलब फीस पेड बाय इंपोर्टर टू हिज एजेंट फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस ऑफ रिप्रेजेंटिंग हिम अब्रॉड इन द परचेज ऑफ द गुड्स बीइंग वैल्यूड। बेटा ये बाइंग कमीशन वर्ड आपका अगर एग्जाम में आता है आपने उसको ऐड नहीं करना है, बाकी कोई भी कमीशन ब्रोकरेज आए आपने ऐड कर देना है, ऐड कर देना है किसमें, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल में, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल में, क्योंकि इनकर किया है बायर ने बट प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल में नहीं आया तो उसे आपने ऐड करना है। देन कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स ऐड करोगे, कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऐड करोगे। जनरली कमीशन का एडजस्टमेंट आता है एग्जाम में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में पहले भी आया हुआ है, बाइंग कमीशन स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया है तो आपको नहीं ऐड करना है। नेक्स्ट फ्री असिस्टेंस बाय बायर, तो बायर ने यहाँ पे कुछ फ्री असिस्टेंस दिया है उसे भी ऐड करेंगे। देखते हैं अपोर्शन वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर सप्लाइड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट रिड्यूस्ड कॉस्ट फॉर यूज इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन एंड सेल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स टू द एक्सटेंट इट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। तो जो भी बेटा अपोर्शन वैल्यू किसकी, जो भी गुड्स और सर्विसेज जो बायर ने यहाँ पे जहां पे वेयर सप्लाइड बाय बायर, बायर ने क्या किया फ्री ऑफ चार्ज या रिड्यूस कॉस्ट, मैं इंपोर्टर हूं बायर हूं, मैंने क्या किया, मैंने फ्री ऑफ चार्ज कुछ मटेरियल दे दिया सप्लायर को कि भाई इसको यूज कर लेना आप जो भी मेरे को भेजने वाले हो और वो आप मुझे भेज देना। तो उसने जैसे कि मेरे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मोबाइल बनाना है तो मैंने क्या किया, मैंने बैटरी भेज दी है यहाँ पे सप्लायर को, मैंने बैटरी आप यही वाले इंक्लूड कर देना, ठीक है। तो उस केस में और वो बैटरी की कॉस्ट वो नहीं इंक्लूड करेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल में, क्योंकि बैटरी तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी है। तो उस केस में बेटा वो ऐड होगी क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी तो जो पूरा इंपोर्ट का अमाउंट रहेगा यहाँ पे उस पे जो कस्टम्स ड्यूटी के जो एडजस्टमेंट आपको करना है CIF पे अराइव होना है उसके लिए वो बैटरी का अमाउंट ऐड हो जाएगा। सो क्या जैसे कि इट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल वो लेंगे क्या, अपोर्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल कंपोनेंट पार्ट सिमिलर आइटम्स जो भी इनकॉर्पोरेट हुए इंपोर्टेड गुड्स में। ऑब्वियसली यार मैंने यहाँ से फ्री में मटेरियल भेज दिया उसने कुछ थोड़ा सा प्राइस लगा दिया तो ऐसे में तो कस्टम ड्यूटी चार्ज ही नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। तो इसके लिए जो भी मटेरियल यहाँ से बायर ने फ्री ऑफ कॉस्ट या रिड्यूस कॉस्ट में भेजा है जो भी कंपोनेंट मटेरियल पार्ट सिमिलर आइटम्स वो सब क्या किए जाएंगे बेटा ऐड किए जाएंगे, अपोर्शन वैल्यू ऐड की जाएगी। टूल्स डाइज मोल्ड सिमिलर आइटम यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ऐड किया जाएगा। मटेरियल कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ
इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, जो भी मटेरियल कंज्यूम हुए वो, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट आर्ट वर्क डिजाइन वर्क प्लान स्केचेस, कोई भी इंजीनियरिंग वर्क आर्ट वर्क डेवलपमेंट वर्क डिजाइन वर्क प्लान एंड स्केचेस अंडरटेकन एल्सवेयर देन इन इंडिया एंड नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, जो कि अंडरटेक कहाँ किए गए बेटा, एल्सवेयर देन इन इंडिया में हुए, एल्सवेयर देन इन इंडिया में यहाँ पे क्या हुए, अंडरटेक हुए और नेसेसरी है किस चीज के लिए बेटा, प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स के लिए जो जरूरी था, यहाँ पे एल्सवेयर देन इन इंडिया दिया बेटा। इसका एडजस्टमेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आता है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट आर्ट वर्क डिजाइन वर्क प्लान स्केचेस, यहाँ पे इंडिया वाले ने किसी ने कुछ डिजाइन बना के भेजी है तो उसपे वापस से इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, इंडियन टैलेंट है भाई। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क आर्ट वर्क यहाँ पे जो भी है बेटा अदर देन इंडिया का कहीं का कुछ है तो आप उसको ऐड करोगे किसमें बेटा, यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल है उसमें ऐड किया जाएगा, एंड नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। बट यहाँ पे अगर इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क इंडिया का है और वो डिजाइन यहाँ से बाहर भेजी जिसके बेसिस पे मशीन बनी है, उसे ऐड नहीं करेंगे, उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगानी हमें, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है। देन रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस, इट इंक्लूड्स पेटेंट कॉपीराइट्स, रॉयल्टी लाइसेंस फीस कुछ है वो ऐड करेंगे। द वैल्यू ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल डिस्पोजल यूज ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स दैट अक्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू द सेलर, तो यहाँ पे क्या है बेटा, सब्सिक्वेंट रीसेल यहाँ पे क्या हो रहा है, द वैल्यू ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्रोसीड ऑफ एनी सब्सिक्वेंट रीसेल डिस्पोजल और यूज ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट करे गुड्स उसके बाद मैंने उसको क्या किया, सेल किया, उसका कुछ परसेंटेज अगर मुझे सेलर को देना है और उसका अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट नहीं कर सकती हूँ तो वो यहाँ पे ऐड होगा। अगर अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते तो बेटा वो वैल्यू रूल 3 के हिसाब से वो रिजेक्ट हो जाएगी, आपने रूल 4 ऑनवर्ड्स वैल्यूएशन करना रहेगा। एंड All other payments actually made or to be made as a what bit a condition of sale of the imported goods by the buyer to seller or by the buyer to third party to satisfy obligation of seller to the extent such payment are not included. तो कोई भी बेटा कोई भी payment कर रहे हो but as a condition of sale of imported goods है, अगर इम्पोर्टेड गुड्स आपने जो लिया है उससे उसके कंडीशन से रिलेटेड है तो, और वो नहीं इंक्लूडेड प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल में, तो उसे इंक्लूड किया जाएगा। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या एडजस्टमेंट करने है, 10(1) के हिसाब से क्या क्या इंक्लूड करोगे, कमीशन ब्रोकरिंग पैकिंग चार्जेस करोगे एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स इंक्लूड करेंगे, कॉस्ट ऑफ पैकिंग इंक्लूड करेंगे, फिर फ्री असिस्टेंस जो भी बायर दे रहा है यहां से, इंपोर्टर यहां से भेज रहा है एक्सपोर्टर को, क्या जो भी फ्री असिस्टेंट रिड्यूस कॉस्ट पे भेज रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पे भेज रहा है, और जो प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल में इंक्लूडेड नहीं है उसे भी ऐड करेंगे। क्या हो सकता है, मटेरियल कंपोनेंट पार्ट सिमिलर आइटम उसने भेजा हो, टूल्स डाइज मोल्ड सिमिलर आइटम भेजा हो, मटेरियल कंज्यूम भेजा हो, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट आर्ट वर्क डिजाइन वर्क अंडरटेकन व्हाट एल्सवेयर देन इन इंडिया उसे इंक्लूड करेंगे। देन 10(1)(c) में रॉयल्टी या लाइसेंस फीस कुछ है तो वो ऐड करोगे। देन उसके बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट रीसेल डिस्पोजल यूज का प्रोसीड्स है जो कि अक्रू कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेलर को, उसे ऐड करेंगे। और ऑल अदर पेमेंट एज अ कंडीशन ऑफ सेल रहेगा तो उसे भी ऐड करेंगे। तो बेटा ये क्या है, 10(1) के एडजस्टमेंट है मैम, 10(1) के एडजस्टमेंट है बेटा ये, ठीक है, 10(1) के एडजस्टमेंट से ये ऐड करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, हमारे एफओबी में हमने ये सब एडजस्टमेंट किए तो हमको एडजस्टेड एफओबी मिलेगा और जिसमें हम करेंगे बेटा क्या, 10(2) के एडजस्टमेंट। टेन टू में क्या एडजस्टमेंट है, दो ही एडजस्टमेंट है बेटा, बहुत सिंपल, इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट है और ट्रांसपोर्टेशन का फ्रेट का एडजस्टमेंट है। सीआईएफ पे आना है ना, एफओबी पे आ गए, एफओबी से सीआईएफ पे आने के लिए क्या ऐड करना पड़ता है, फ्रेट और इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस और फ्रेट का कैसा एडजस्टमेंट होगा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। अब इंश्योरेंस की कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में, एक्चुअल कॉस्ट एसर्टेनेबल है इंश्योरेंस की, तो उस केस में जो भी एक्चुअल कॉस्ट है उसको इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर दो डायरेक्टली अगर एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है। एक्चुअल कॉस्ट नहीं पता है, एसर्टेनेबल ही नहीं है यार, बट एफओबी पता है तो क्या मान लिया जाएगा, 1.125% ऑफ एफओबी जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा, 1.125%, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे एफओबी नहीं पता है बट मुझे एफओबी प्लस ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो फ्रेट है वो पता है। इफ एफओबी इज नॉट एसर्टेनेबल बट एफओबी, यहां पे लिख लो एफओबी प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस पता है आपको, सम ऑफ दिस पता है, सम ऑफ एफओबी प्लस ट्रांसपोर्ट पता है, तो 1.125% ऑफ सच सम हो जाएगा, 1.125% ऑफ सच सम हो जाएगा, ठीक है, इसका 1.125
एफओबी प्लस ट्रांसपोर्ट, तो वापस से रिवाइज करेंगे। इंश्योरेंस पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है मैम, पता है तो एक्चुअल कॉस्ट जो है वो ऐड कर दो। नहीं पता है, नॉट एसर्टेनेबल है, एफओबी पता है तो 1.125% ऑफ एफओबी हो जाएगा। एफओबी नहीं पता है मुझे, एफओबी नहीं पता है मुझे, बट एफओबी प्लस फ्रेट ट्रांसपोर्ट जो भी है वो पता है मुझे, तो उस सम का 1.125% हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा, जो कि ऐड कर दिया जाएगा। 10-2 के एडजस्टमेंट पड़ रहे हैं। अब सिमिलरली कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मुझे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैम पता है मुझे, एसर्टेनेबल है, और मैं ट्रांसपोर्ट किससे कर रही हूँ, दो ऑप्शन है भाई यहाँ पे, मैं या तो सी से कर रही हूँ या एयर से कर रही हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता है और मैं सी से कर रही हूँ, तो जो एक्चुअल एक्सपेंस है वही एड हो जाएंगे, जो एक्चुअल एक्सपेंस है बेटा वही एड हो जाएंगे। अब मैं एयर से कर रही हूँ, मैंने ट्रांसपोर्टेशन किससे किया बेटा, एयर से किया। अब एयर से किया और मेरे को पता है एसर्टेनेबल है, एसर्टेनेबल है, तो फिर क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट जो रहेगी वो ऐड होगी, बट मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 20% ऑफ एफओबी, 20% ऑफ एफओबी का रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, एयर से कर रही हूँ और एसर्टेनेबल है, क्या हो रहा है, एयर से कर रही हूँ और एसर्टेनेबल है, तो जो भी है एक्चुअल कॉस्ट वो रहेगी, बट रिस्ट्रिक्टेड टू हाउ मच बेटा, 20% ऑफ एफओबी का रिस्ट्रिक्शन है, 20% ऑफ एफओबी का रिस्ट्रिक्शन रह जाएगा। ठीक है, एग्जाम में कई बार दिया होता है, एयर फ्रेट रहती है, सीआईएफ आपको दी हुई है, सीआईएफ आपको दी हुई है, और वहां दिया रहेगा कि भाई कितना ऐड किया है, तो अगर वो 20% से ज्यादा है तो आप वापस से एफओबी पे आओगे और फिर एडजस्टमेंट करोगे, आप वापस से एफओबी पे आओगे और उसका 20% मैक्सिमम अपर लिमिट एयर के केस में क्या दी हुई है, 20% का रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। ठीक है, एयर के केस में एसर्टेनेबल है तो वही रहेगा, बट रिस्ट्रिक्शन कितना है, 20% ऑफ एफओबी का, नॉट एसर्टेनेबल है, नॉट एसर्टेनेबल है। ठीक है, अब नॉट एसर्टेनेबल बेटा दोनों भी केस में सेम है, एयर से भी लेकर आते हो आप कुछ तो भी, सी से लाते हो तो भी, और दोनों भी केस में अगर नॉट एसर्टेनेबल है तो एफओबी पता है तो 20% ऑफ एफओबी ले लो सीधे सीधे, एफओबी नहीं पता प्लस, बट एफओबी प्लस इंश्योरेंस पता है तो 20% ऑफ सच सम ले लो। एफओबी नहीं पता, एफओबी इज नॉट एसर्टेनेबल, बट द सम ऑफ एफओबी एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज एसर्टेनेबल, देन 20% ऑफ सच सम। वापस से रिपीट करूंगी मैं यहाँ पे इंश्योरेंस का, यहाँ पे और इसका भी। इंश्योरेंस में क्या पढ़ा बेटा हमने, पहले ट्रांसपोर्ट का करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अगर सी से है एसर्टेनेबल है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस ले लेंगे, एयर से है एसर्टेनेबल है तो एक्चुअल ले लेंगे, बट मैक्सिमम अपर लिमिट कितनी दी हुई है, 20% दी हुई है। एयर से है बट नॉट एसर्टेनेबल है, एफओबी पता है, हाँ जी पता है, 20% ऑफ एफओबी ले लेंगे, 20% ऑफ एफओबी ले लेंगे। एयर से है, एफओबी नहीं पता, एफओबी नहीं पता, बट एफओबी प्लस इंश्योरेंस पता है, एफओबी प्लस इंश्योरेंस पता है, तो फिर क्या होगा बेटा, 20% ऑफ सच सम हो जाएगा, 20% ऑफ सच सम हो जाएगा। ठीक है, और इंश्योरेंस असर्टेनेबल है तो एक्चुअल कॉस्ट, नॉट असर्टेनेबल है, एफओबी पता है तो 1.125% ऑफ एफओबी, एफओबी नहीं पता बट एफओबी प्लस फ्रेट पता है तो 1.125% ऑफ सच सम। ठीक है, ये 10-2 के एडजस्टमेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करना बेटा, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब भाई यहाँ पे रूल 3 के हिसाब से, यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू था, आपने देखा सेक्शन 14, हमने देखा ट्रांजैक्शन वैल्यू का दिया हुआ था, आपका रूल 3 के हिसाब से सब कुछ मैच हो गया, आपका क्या हो गया, ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, बायर और सेलर भी रिलेटेड नहीं है, प्राइस सोल कंसिडरेशन है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है सेल की एंड ऑल दैट, तो उस केस में क्या हो गया बेटा, रूल 3 के हिसाब से एक्सेप्ट हो गया। अब एक और पॉइंट था रूल 3 में, हमने उस टाइम मिस किया, क्या क्या पॉइंट्स थे एक बार देखेंगे वापस। रूल ये सब 10 सेक्शन 14 के हिसाब से कब एक्सेप्टेबल होगी, जब सेक्शन 14 के हिसाब से एक्सेप्टेबल होगी बेटा, यहाँ पे रूल 3 के हिसाब से एक्सेप्टेबल होगी, तब हमको एडजस्टमेंट क्या करना है, 10-1, 10-2 के करने है। नहीं नहीं, ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं तो कुछ एडवाइड नहीं करना है, सीधे रूल 4 पे जाना है। ठीक है, अब एक बार रूल 3 वापस पढ़ेंगे, कब होगा आपका वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू, व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बायर फॉर डिस्पोजल ऑफ गुड्स, एक्सेप्ट वो कुछ एक्सेप्शंस दिए थे, सेल इज नॉट सब्जेक्ट टू कंडीशन फॉर विच वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एंड नो फर्दर कंसिडरेशन अक्रू टू सेलर अनलेस एडजस्टमेंट एज पर रूल 10। ठीक है, बायर एंड सेलर आर अनरिलेटेड, बायर और सेलर आपके रिलेटेड नहीं है, इफ रिलेटेड, अगर रिलेटेड है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इज एक्सेप्टेड व्हेन एग्जामिनेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ सेल इंडिकेट रिलेशनशिप डिड नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड इंपोर्टर प्रूव्स दैट द प्राइस इज क्लोज टू ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल सिमिलर गुड्स इन रिलेशन टू अनरिलेटेड बायर्स। ठीक है, और डिडक्टिव कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स। तो बेटा यहाँ पे अगर आपके बायर और सेलर रिलेटेड है, अगर अनरिलेटेड है तो कोई टेंशन नहीं, रिलेटेड है और यहाँ पे रिलेशनशिप से कोई प्राइस में दिक्कत नहीं आई है तो फिर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू भी एक्सेप्ट हो जाएगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू भी एक्सेप्ट हो जाएगी, और इंपोर्टर ने प्रूव कर दिया कि भाई जो उसका जो प्राइस है, ट्रांजैक्शन वैल्यू है, दैट इज नियर टू एनी ऑफ दीज। ठीक है, एनी ऑफ दीज। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो गई, क्यों,
कुछ भी रीजन हो सकता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे, कोई भी रीजन के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो पा रही यहाँ की, बायर और सेलर रिलेटेड है जिससे प्राइस यहाँ पे इन्फ्लुएंस हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? फिर रूल 4 पे जाएंगे, वो क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स रहेगा, वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स रहेगा एट और अबाउट द सेम टाइम, उसी टाइम पे जिस टाइम हमने इम्पोर्ट किया उसके आसपास के टाइम का ही लिया जाएगा, और सेम कमर्शियल लेवल और सेम सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी में इंपोर्ट होना चाहिए, वो प्राइस लिया जाएगा। बट अगर यहाँ पे सेम कमर्शियल लेवल और सेम सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी में नहीं मिला तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा और एज द गुड्स बीइंग वैल्यूड। अब आइडेंटिकल गुड्स नहीं है, आइडेंटिकल गुड्स नहीं है तो फिर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, सिमिलर गुड्स का देखेंगे, रूल 5 में जाएंगे, सीक्वेंसली जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू क्या लिया जाएगा, वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स रहेगी, इंपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम, कमर्शियल लेवल और क्वांटिटी सेम होना चाहिए, नहीं है तो उसका एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा, नहीं होगा तो उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। व्हाट डू मीन बाय आइडेंटिकल गुड्स बेटा, इट इज अ इंपोर्टेड, दीज आर इंपोर्टेड गुड्स ओनली, कोई डोमेस्टिक गुड्स नहीं ले रहे, इंपोर्टेड गुड्स ही है, सेम फिजिकल फीचर एंड क्वालिटी जो हमने इम्पोर्ट किया है उसी के जैसे सेम फिजिकल फीचर क्वालिटी है यहाँ पे, सेम कंट्री ऑफ प्रोडक्शन है, बट प्रोड्यूसर कोई और हो सकता है, प्रोड्यूसर कोई और हो सकता है। एंड व्हाट डू मीन बाय सिमिलर गुड्स, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेड गुड्स, दे आर नॉट सेम, दे आर ऑफ लाइक फीचर कंपोनेंट मटेरियल, कमर्शियली इंटरचेंजेबल विथ इम्पोर्टेड गुड्स है यहाँ पे, सेम कंट्री ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोड्यूसर जो है आपका कोई और भी चलेगा, कोई और भी चलेगा, तो दिस इज व्हाट सिमिलर आइडेंटिकल एंड सिमिलर गुड्स, जिसपे हमने प्रॉब्लम भी किए थे, ठीक है। नाउ रूल 7 डिडक्टिव वैल्यू बेटा, अब क्या हुआ भाई, मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो रही, मेरे ना आइडेंटिकल गुड्स आ रहे हैं उस टाइम पे, ना सिमिलर गुड्स आ रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला टेंशन मतलब क्या करो, डिडक्टिव वैल्यू ले लो। व्हाट डू मीन बाय डिडक्टिव वैल्यू, नाउ इफ द गुड्स बीइंग वैल्यूड इज आइडेंटिकल, सिमिलर गुड्स आर सोल्ड इन इंडिया इन द सेम कंडीशन, सो जो आप गुड्स वैल्यू कर रहे हो या तो वो सेल हो रहे हैं या कोई आइडेंटिकल सिमिलर गुड्स इंडिया में सेल हो रहे हैं सेम कंडीशन में एट और अबाउट द सेम टाइम, देन सेलिंग प्राइस जो भी इंडिया की असेसेबल वैल्यू विल बी व्हाट, एवी मींस व्हाट बेटा, असेसेबल वैल्यू विल बी व्हाट, सेलिंग प्राइस लेस कमीशन सेल्स एक्सपेंसेस प्रॉफिट ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस कस्टम ड्यूटी अदर टैक्स पेएबल इन इंडिया, ये सब माइनस कर दिया हमने, सब माइनस कर दिया, इंडिया में जो भी यहाँ पे एक्सपेंसेस लगे होंगे प्रॉफिट ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस ये सब कुछ जो इंडिया में है, तो कहाँ आ गए हम, वापस आ गए उसी पे एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन पे जो बैक जाके प्राइस आएगा, ठीक है। इंडिया में जो भी मैंने सेलिंग प्राइस रखा है उसमें से मेरा प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कम हो गया, इंडिया के जो ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस है वो कम हो गए, मेरे सेल्स एक्सपेंसेस कम हो गए, तो मैं यहाँ पे क्या जाऊंगी, असेसेबल वैल्यू पे आऊंगी। सेलिंग प्राइस इज द यूनिट प्राइस एट विच इम्पोर्टेड आइडेंटिकल सिमिलर गुड्स इन द ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी आर सोल्ड टू अनरिलेटेड पर्सन इन इंडिया। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, मैंने गुड्स इम्पोर्ट किए थे, मैंने यहाँ गुड्स इम्पोर्ट किए थे, ठीक है, उस पर फिर मैंने कुछ कुछ यहाँ पे ऐड किया, यहाँ टैक्स ऐड हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल में थोड़ी कमी चीजें ले रही हूँ, मैंने प्रॉफिट ऐड हो गया, ठीक है, यहाँ पे मेरी जो भी प्राइस होगी जो 200 रुपये मैंने इंपोर्ट किया प्लस मेरा टैक्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले रही हूँ 10 रुपीज ऐड हो गया, प्रॉफिट मैंने यहाँ पे 50 रुपीज ऐड कर दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस मेरे यहाँ पे और यहाँ पे समझ लीजिए आप 40 रुपीज हो गए, तो मैं 300 रुपीज आ गई मेरी सेलिंग प्राइस। तो अब मैं उल्टा जाऊंगी, मेरे पास यहाँ पे डेटा मुझे उल्टा यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिडक्टिव मेथड डिडक्ट ही करना है, तो क्या है डिडक्टिव मेथड का फॉर्मूला, 300 रुपीज सेलिंग प्राइस माइनस टैक्सेस माइनस प्रॉफिट माइनस इंडिया में जो भी आपका यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस कमीशन लग रहा है वो आप माइनस कर दोगे तो 200 रुपीज पे आ गए, जो कि आ जाएगी क्या वैल्यू आ जाएगी इंपोर्टेड गुड्स की, यहाँ पे डिडक्टिव वैल्यू निकाल लेंगे और ये इस पे क्या होगा, दिस विल बी द असेसेबल वैल्यू, दिस विल बी द असेसेबल वैल्यू। नेक्स्ट इज कंप्यूटेड वैल्यू, और ही सिंपल बट बड़ा डिफिकल्ट, यहाँ पे आपको कंप्यूटेड वैल्यू कॉस्ट का डेटा, इंपोर्ट किए हैं जो गुड्स उसका कॉस्ट का डेटा आपके पास होना बहुत डिफिकल्ट है। कंप्यूटेड वैल्यू सम ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्रोसेसिंग एम्प्लॉयड इन प्रोड्यूसिंग इंपोर्टेड गुड्स प्रॉफिट एंड जनरल एक्सपेंसेस रिफ्लेक्टेड इन सेम क्लास ऑफ गुड्स मेड इन द कंट्री ऑफ एक्सपोर्टेशन फॉर एक्सपोर्ट इन इंडिया एड एक्सपेंसेस एंड अंडर रूल 10(2). तो बेटा जो भी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्रोसेसिंग जो भी चीजें लग रही प्रॉफिट जनरल एक्सपेंसेस ये सारे जो भी लगेंगे प्लस यहाँ पे तो वो क्या हो जाएंगे बेटा वो आपके सब ऐड करके, भाई बहुत मुश्किल है मैं एक्सपोर्टर की कंट्री में जाके उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट उसका प्रॉफिट सब कुछ एक्सपेंसेस जान करके कॉस्ट निकालूं और मैं यहाँ पे इंडिया में जो वो भेज रहा है इंडिया में जो भेज रहा है वो निकाल के एक्सपेंसेस कॉस्ट ले करके जो भी एक्सपेंसेस कॉस्ट लगे 10(2) में मतलब फ्रेट इंश्योरेंस करके ऐसा करके मेरे को कॉस्ट निकालना पड़ेगा, मतलब मेरे को यूएस से मैं इंडिया इंपोर्ट कर रही हूँ
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसका यहाँ पे क्या कॉस्ट लगा, फिर उसके क्या एक्सपेंसेस लगे, प्लस उसको क्या फ्रेट वगैरह लग रहा है, प्लस उसको क्या इंश्योरेंस वगैरह लग रहा है, सब कुछ ऐड करके मेरे को अल्टीमेटली यहाँ का ही प्राइस है। प्राइस तो मेरे को एक टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन का चाहिए, मैं कैसे निकालू वो डिपेंड करता है। तो डिडक्टिव वैल्यू का नहीं मिल रहा है तो फिर आपको कंप्यूटेड वैल्यू पे जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन लास्ट रूल 9, अच्छा यहाँ पे लिया नहीं है बट वो रेसिड्यूअल मेथड है बेटा, मैं एक मिनट ओपन करती हूँ वो मेन बुक में। रेसिडुअल मेथड मतलब रीजनेबल मींस कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल एंड जनरल प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स के बेसिस पे क्या बेटा करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे रेसिडुअल मेथड से निकालोगे आप, निकालोगे आप, ठीक है। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हमने डिस्कस किए जो किससे रिलेटेड थे, इंपोर्ट से रिलेटेड थे बेटा। रिविजनरी है इसलिए मैं 11, 12 रूल वगैरह डिस्कस नहीं कर रही हूँ आपसे, थोड़े बहुत सिंपल सिंपल रूल्स थे, बाकी कुछ ज्यादा था नहीं उसमें। एक तो रिजेक्शन कब कर सकते, डिक्लेयर वैल्यू का वो था, और डिक्लेरेशन क्या इंपोर्टर का रहेगा वो था, ठीक है। अब देख क्विकली एक या दो क्वेश्चंस देखते हैं हमारे मेन बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अ मटेरियल वाज इंपोर्टेड बाय व्हाट एयर, ये आपको ध्यान में रखना है एयर से आया कि वेसल से, क्योंकि वो 20% वाला रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। एट अ CIF प्राइस दिया हुआ है ऑफ $5,000, फ्रेट कितना पे किया $1,500, इंश्योरेंस $500, द बैंकर रियलाइज द पेमेंट फ्रॉम इंपोर्टर एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ 71 per dollar, CBIC का रेट क्या है 70, तो हम किसका लेते हैं, बैंक का रेट लेते हैं कि CBIC का, हमने पढ़ा था ऑलरेडी, हम CBIC का रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे। USD, फाइंड द वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ लेवी ऑफ ड्यूटी, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, असेसेबल वैल्यू पूछ रहा है। असेसेबल वैल्यू में, असेसेबल वैल्यू इंपोर्ट के केस में क्या होती है, CIF होती है, यस yes. तो मैम यहाँ पे तो डायरेक्टली CIF दी हुई है, ये क्यों नहीं ले लेते, बट एयर से आया है, फ्रेट का एडजस्टमेंट तो चेक करना पड़ेगा 20% वाला, तो वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, FOB पे जाना पड़ेगा। तो CIF मैंने लिया, CIF $5,000 माइनस फ्रेट किया, माइनस इंश्योरेंस किया एक्चुअल जो है, तो मैं किस पे आ गई, FOB वैल्यू पे आ गई, FOB वैल्यू पे आ गई। इसके बाद में हमने एयर के केस में क्या पढ़ा था, नोट 1 देखेंगे, इफ द गुड्स आर इंपोर्टेड बाय एयर द फ्रेट कैन नॉट एक्सीड हाउ मच 20% ऑफ द FOB प्राइस, तो आपका FOB कितना आया 3000, 3000 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा $600, तो फ्रेट $600 होना चाहिए। एक्चुअल फ्रेट कितनी है $1,500, क्या वो अलाउड है, नहीं वो अलाउड नहीं है, आपको फ्रेट पकड़नी पड़ेगी $600, मैंने 1600 बोला शायद गलती से, 3000 का 20% 600, तो $600 यहाँ पे आ गया। अब उसमें क्या करोगे, इंश्योरेंस एक्चुअल्स दिए हैं तो क्या वो अलाउड है या उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, वो अलाउड है, तो इंश्योरेंस एक्चुअल्स $500 हमने ले लिया। टोटल अप CIF प्राइस कितना आया 4100 जिस पे ड्यूटी लगेगा, 4100 जिस पे ड्यूटी लगेगा, आपको 4100 पे ड्यूटी लगेगा, एक्सचेंज रेट CBIC का लेंगे, और यहाँ पे आ गया असेसेबल वैल्यू, क्या पूछा था क्वेश्चन में, असेसेबल वैल्यू वो आ गया। इतने तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं इंपोर्ट के केस में। सो नोट नंबर 2, रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइंड बाय CBIC। अच्छा अब आप तो फाइनल लेवल पे वैसे आपको ये सब चीजें पता है, बट नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, स्पेशली इन दिस चैप्टर, वैल्यूएशन वाले चैप्टर में, जो भी प्रैक्टिकल जो हमने GST में भी वैल्यूएशन देखा था, ITC के चैप्टर में देखा था, ये हुआ, ब्लॉक क्रेडिट से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कुछ जगहों पे जहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, नोट शुड फॉर्म इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर आंसर, मार्क्स नहीं मिलेंगे अपने मन से, सिर्फ 20% का कैलकुलेशन करके मत आ जाना, उसमें नोट लिखोगे तो एग्जामिनर को आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। रूल्स के नंबर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो एटलीस्ट 10-1, 10-2 तो याद रख सकते हो, 10-1, 10-2 तो आप एटलीस्ट याद रख सकते हो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट व्हाट असेसेबल वैल्यू, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टैक्स पूछ रहा है, कस्टम्स ड्यूटी पूछ रहा है, असेसेबल वैल्यू पूछ रहा है, वो आप सबसे पहले चेक करो। सो फाइंड आउट असेसेबल वैल्यू इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स अंडर द कस्टम्स एक्ट, कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर कितनी है $10,000, क्या प्राइस है ये, क्या ये एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। और सबसे पहले ये भी देख लेना क्वेश्चन इंपोर्ट का है कि एक्सपोर्ट का है, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगे, हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन, बाइंग कमीशन पेड बाय इंपोर्टर, फ्रेट चार्जेस फॉर एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, एक्सचेंज रेट टू बी कंसिडर्ड, एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस पेड आर नॉट एसर्टेनेबल, कंप्यूट द असेसेबल वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, तो असेसेबल वैल्यू आपको यहाँ पे कंप्यूट करना है, तो चलो हम निकालते हैं असेसेबल वैल्यू, मतलब कि हमको CIF पे पहुंचना है, CIF पे पहुंचना है, दिया क्या है एक्स फैक्ट्री कॉस्ट दिया है, तो चलो CIF पे पहुंचते हैं। CIF के लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन ले लिया हमने, यहाँ पे क्या था वो
10,000 USD, यहाँ पे मैंने 10,000 USD ले लिया। देन ट्रांसपोर्ट चार्जेस अप टू पोर्ट ऐड होगा क्या? यस मैम बिल्कुल होगा। हैंडलिंग चार्जेस अप टू पोर्ट ऐड होगा, ऐड होगा। ये सबको ऐड करके कौन से प्राइस पे आ गए? एफ ओ बी प्राइस पे आप आ गए। फिर फ्रेट चार्जेस, फ्रेट चार्जेस दिए हुए हैं क्या? हाँ दिए हुए हैं। वेसल एयर से आ रहा है, किससे वेसल आ रहा है या प्लेन है, क्या है? वेसल है, शिप आ रहा है आपका, शिप आ रहा है तो क्या 20% का रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। एक्चुअल फ्रेट चार्जेस आपको दी हुई है 1,000 USD, वो हमने ऐड कर दी। इंश्योरेंस चार्जेस के लिए क्या लिखा? एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस पेड आर नॉट एसर्टेनेबल। तो अगर इंश्योरेंस चार्जेस एसर्टेनेबल नहीं है तो क्या करना है? 1.125% ऑफ एफ ओ बी लेना है। यस मैम बिल्कुल लेना। तो यहाँ 1.125% ऑफ एफ ओ बी हमने ले लिया, तो हम क्या पे पहुंच गए? सी आई एफ वैल्यू पे आ गए, सी आई एफ वैल्यू पे आ गए। सी आई एफ जो हमने यहाँ पे लिया, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, उसके बाद एक्सचेंज रेट आपको दिया हुआ है 70 रुपीज़, उससे आपने कर लिया तो आपकी क्या आ गई? असेसेबल वैल्यू आ गई और आपने उसको राउंड ऑफ कर लिया, आपने उसको राउंड ऑफ कर लिया। अभी इसमें आपको इंपॉर्टेंट नोट्स किस चीज़ से रिलेटेड लिखना है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ छूट गई, आपने क्या क्या कंसिडर कर लिया? हमने कॉस्ट ऑफ द मशीन ले लिया, ट्रांसपोर्ट चार्ज ले लिया, हैंडलिंग ले लिया, तो हमारी एफ ओ बी आ गई थी। इसके बाद में, इसके बाद में फ्रेट चार्जेस ले लिए, इंश्योरेंस चार्जेस ले लिए, सी आई एफ आ गई। बीच में आपको कुछ दिख रहा है? बाइंग कमीशन, हमने कुछ पढ़ा था बाइंग कमीशन के लिए। ऑल कमीशन इन ब्रोकरेज शुड बी एडेड एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, तो बाइंग कमीशन ऐड नहीं करेंगे, उसके लिए नोट लिख देंगे बाइंग कमीशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेसेबल वैल्यू। ठीक है, यहां पे आप एक नोट लिख दीजिए कि बाइंग कमीशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन ट्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड हैज इंपोर्टेड वन मशीन फ्रॉम इंग्लैंड, इट हैज गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। प्राइस ऑफ द मशीन क्या है आपका? 8,000 UK pounds है। फ्रेट पेट किससे? एयर से। अब देखो एयर है, सेंसिटिव हो जाना है यहाँ पे, आपको एयर वगैरह दिया है, आपको उसी टाइम क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे ही आपको मार्किंग्स करते जाना है। 2,500 UK pounds डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस पेड इन UK। डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस के लिए हमने कुछ पढ़ा था सेक्शन रूल 10(1) में, क्या पढ़ा था? इफ इट इज अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया देन इट इज टू बी इंक्लूडेड, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे 5,500 UK pounds हो गया। कमीशन पेबल टू लोकल एजेंट ऑल टाइप्स ऑफ कमीशन इज टू बी इंक्लूडेड, क्या है ये? 2% ऑफ द प्राइस इन मशीन इन इंडियन रुपीज, ठीक है। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री क्या है? 24/10, उस दिन BCD का रेट क्या है, उस दिन का एक्सचेंज रेट क्या है। डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरपोर्ट का रेट दिया हुआ है। इंटीग्रेटेड टैक्स का रेट आपको दिया हुआ है कितना है? 12% है। इंश्योरेंस चार्जेस हैव बीन एक्चुअली पेड बट इट इज नॉट अवेलेबल, डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, तो ठीक है हम देख लेंगे। और आपको कैलकुलेट क्या करना है? टोटल कस्टम ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स पेड पेएबल बाय फॉरेन ट्रेड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको मशीन का प्राइस क्या दिया हुआ? 8,000 UK pounds, वो हमने ले लिया। इसके बाद सबसे पहले क्या करोगे? 10-1 के एडजस्टमेंट करोगे, एडजस्टेड एफ ओ बी आएगी, उसके बाद 10-2 के एडजस्टमेंट करोगे, उसके बाद सी आई एफ आएगी, उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी। क्लियर है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले एफ ओ बी प्राइस पे पहुंचे। चलो प्राइस ऑफ द मशीन में मैंने ऐड किया क्या? डेवलपमेंट चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस ऐड होंगे, बिल्कुल होंगे, नोट देखेंगे इसका। डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड इन यूके एंड कमीशन पेड टू लोकल एजेंट सिंस इट इज नॉट अ बाइंग कमीशन आर इंक्लूडेड इन एसेसेबल वैल्यू एज पर रूल 10(1), इसे ऐड करना रहेगा। तो यहाँ पे मैंने डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस ऐड कर दिया, आपका टोटल अमाउंट आ गया। फिर बाइंग कमीशन ऐड कर दूंगी तो मेरे 10(1) के एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाएंगे। बट बाइंग कमीशन में क्या लिखा हुआ है? इंडियन रुपीज में दिया हुआ है, तो सबसे पहले मुझे इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे रेट क्या लेना है? मुझे रेट क्या लेना है? नोट 2 देखेंगे। रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाय CBIC ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, सेक्शन 14 में हमने क्लियरली पढ़ा था, क्लियरली पढ़ा था कि भाई रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए क्या लेना है? जिस दिन बिल ऑफ एंट्री आई, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री आई उस दिन का रेट लेना है, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री आई उसका दिन का रेट लेना है। ये आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही मार्क कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपीज लिया मैंने, कन्वर्ट हो गया आपका। इसके बाद लोकल एजेंसी कमीशन क्या लिखा हुआ है? 2% ऑफ प्राइस ऑफ मशीन। आपका प्राइस ऑफ मशीन क्या था? 8,000 UK pounds, उसका 2% उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो 16,000 रुपीज आपका लोकल एजेंट्स कमीशन आ गया। क्या कमीशन ऐड होगा? बिल्कुल होगा। बाइंग कमीशन के अलावा कोई भी कमीशन इंडिया में पे करो, बाहर पे करो, सब ऐड करना है, ठीक है। ये ऐड कर लिया हमने, यहां आपकी एफ ओ बी वैल्यू आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्या रहेगा? फ्रेट, एयर फ्रेट, एक मिनट,
एफ ओ बी के बाद क्या है, 10-1 हो गया। आप 10-2 के एडजस्टमेंट करते हैं, 10-2 के लिए फ्रेट दिया हुआ है, हाँ 2500 यूके पाउंड, बट एयर का है तो ये इट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 20%। तो किसका 20%? एफ ओ बी वैल्यू का, 8,66,000 का 20% निकालेंगे हम, तो ये आएगा 173,200। ठीक है, अगर एक्चुअल एयर फ्रेट जो आई है वो निकालते तो कितनी है वो, 2500 यूके पाउंड इंटू 100, 2.5 लाख रुपए, सो इट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट, 173,200। देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के लिए क्या लिखा हुआ था, इंश्योरेंस चार्जेस हैव बीन एक्चुअली पेड बट द डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, तो 1.125% ऑफ एफओबी, 1.125% ऑफ एफओबी आपका इंश्योरेंस आ गया। जो टोटल आया वो क्या है, सीआईएफ वैल्यू है, वो कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट है। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना होता है, इसके बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी लेना होता है। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी आप कैसे लोगे, देखो ये फ्रेट का नोट हो गया, ये इंश्योरेंस का नोट हो गया, देन द रेट ऑफ ड्यूटी शैल बी रेट इन फोर्स ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट विच एवर इज लेटर। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 15 में, रेट ऑफ एक्सचेंज का आपका लेना है, बिल ऑफ एंट्री का लेना है मैम, बट रेट ऑफ ड्यूटी कब का लेना है, बिल ऑफ एंट्री और जब ये एयरक्राफ्ट आया विच एवर इज लेटर। तो बिल ऑफ एंट्री आपने कब फाइल की, 24th को, अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट कब है, 20th को, तो बाद में क्या आया, बिल ऑफ एंट्री आई आपकी, बिल ऑफ एंट्री लेटर फाइल की हुई है, तो रेट क्या लेंगे, रेट हम ये लेंगे, रेट हम ये लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेट क्या हो जाएगा, 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी का आपने रेट ले लिया। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, देखो अटेम्प्ट आपके अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्वेश्चन में दिया हो चाहे नहीं दिया हो, आपको अपने मन से, यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, आपको अपने मन से उसे ले लेना है क्या, 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी आपने उसको ले लिया, आपका ये अमाउंट टोटल आ गया। उसके बाद इस टोटल के ऊपर आप इंटीग्रेटेड टैक्स लगा दोगे, 12% दिया हुआ था। देखो सीआईएफआई दैट इज असेसेबल वैल्यू, उस पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी आई, जो भी बेसिक कस्टम ड्यूटी का अमाउंट आया उस पर 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लग गया। फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गई आपकी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज हो गया, तो असेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तीनों का जो आपका टोटल आएगा उस पर 12% आईजीएसटी लग जाएगा, उस पर 12% आईजीएसटी आपका लग जाएगा। सो टोटल कस्टम ड्यूटी प्लस इंटीग्रेटेड टैक्स में क्या क्या आ गया आपका, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज प्लस आईजीएसटी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था, ये आपने बता दिया। तो ठीक है, अब ये चीज याद रखना, हाँ आपको खुद ही याद रखना है, अभी इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था सोशल वेलफेयर सरचार्ज के बारे में, साइलेंट था, बट यू हैव टू कैलकुलेट इट ऑन योर ओन। जो हमने सबसे फर्स्ट में एक मास्टर फॉर्मेट देखा था उसमें भी वहां पे दिया हुआ है, वो आपको एग्जाम के पहले देखना है, अब वो आपको समझ में आएगा अभी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कंप्यूट द टोटल ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल अंडर द कस्टम लॉ ऑन एन इंपोर्टेड इक्विपमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। असेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड इक्विपमेंट $10,100, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री 25-4, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन दिस डेट एंड एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय द बोर्ड ऑन दिस डेट, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स 21, बेसिक कस्टम ड्यूटी इन दिस डेट एंड एक्सचेंज नोटिफाइड इन दिस डेट। ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स 12%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, मेक सूटेबल एग्जम्पशंस, ओके ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, तो बहुत ही ईजी है, ये आपको असेसेबल वैल्यू डायरेक्टली दे दी गई है, तो असेसेबल वैल्यू पे आप सबसे पहले मैं जो बताओ रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लोगे, रेट ऑफ एक्सचेंज आप लोगे जो आपका सीबीआईसी ने नोटिफाई किया है ऑन विच डे, ऑन द डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री। ये देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही यहाँ पे मार्किंग्स कर ली, आपने ध्यान दिया हो तो, बिल ऑफ एंट्री वाले दिन यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, 65 है, तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया 10,100 इंटू 65, ये आपकी असेसेबल वैल्यू इन इंडियन रुपीज आ गई। बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाना, रेट कौन सा लोगे बेसिक कस्टम ड्यूटी का, मैम रेट ऑन द डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री और अराइवल ऑफ वेसल विच एवर इज लेटर। तो आपका यहाँ पे रेट क्या आ गया, 10% ले लिया हमने, 10% रेट आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या गया, सोशल वेलफेयर सरचार्ज उस पर 10% लगा दो, सबका टोटल लो और उसके ऊपर आईजीएसटी 12% लगा दो, यहाँ पे आपका टोटल आ गया कस्टम ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स। कुछ भी नहीं था, दिस वॉज एक्चुअली आपके प्रैक्टिस के लिए था, बट ठीक है अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, असेसेबल वैल्यू ऑफ एन इंपोर्टेड ऑफ एन आइटम इंपोर्टेड इज 1 लाख, बेसिक कस्टम ड्यूटी इज 10%, आईजीएसटी इज 12%, सोशल वेलफेयर, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, ये आप प्रैक्टिस कर लो, पॉज करो अभी आपके नोट्स में से इसे प्रैक्टिस कर लो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट टोटल कस्टम ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, रेट ऑफ बीसीडी ऑन दिस डेट, इंटर एक्सचेंज बैंक रेट एंड रेट नोटिफाइड बाय सीबीआईसी। तो आपको आरबीआई का रेट लेना है, इंटरस्टेट का रेट, इंटरस्टेट बैंक का रेट लेना है कि सीबीआईसी का रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है? सीबीआईसी का। कौन से दिन का? बिल ऑफ एंट्री के दिन का सीबीआईसी का रेट लेना है, ये यहाँ पे फिक्स हो गया। देन आपका एयरक्राफ्ट कब आया? 30/6 को आया आपका एयरक्राफ्ट, ठीक है भाई। रेट ऑफ इंटीग्रेटेड, अच्छा अब यहाँ पे भी अपन मार्क कर ही लेते हैं, आपका बिल ऑफ एंट्री 20th को फाइल किया, एयरक्राफ्ट 30th को आया, तो आपका रेट क्या रहेगा? विच एवर इज लेटर, रेट ऑफ ड्यूटी। देन इंटीग्रेटेड टैक्स 12% दिया हुआ है, CIF वैल्यू $2,000, एयर फ्रेट दिया है, इंश्योरेंस दिया है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज दिया है, तो CIF वैल्यू दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। बट एयर से आया है क्या? यस, एयर से आया तो 20% का रिस्ट्रिक्शन चेक करना है। हाँ, उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए पहले FOB पे जाना पड़ेगा। तो $2,000 में से 500 और 100 माइनस की, मतलब फ्रेट और इंश्योरेंस एक्चुअल्स पे माइनस की, तो हम आ गए FOB पे। FOB में हम चेक करेंगे FOB का 20%, 1400 का 20% कितना होता है? $280। $280 तक के रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। आपकी एक्चुअल फ्रेट कितनी? $500, तो आपको फ्रेट क्या मिलेगी? $280। देन इंश्योरेंस का एक्चुअल अमाउंट लगा दिया, ये टोटल क्या आ गई? आपकी CIF आ गई, टोटल आपकी CIF आ गई। अब इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है, हमने ऑलरेडी देख लिया हमको किसके हिसाब से कन्वर्ट करना है। बिल ऑफ एंट्री के दिन जो सीबीआईसी का रेट है 70 रुपीज के हिसाब से मैंने इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, विच इज व्हाट असेसेबल वैल्यू। इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके ही फिर हम ड्यूटीज लगाएंगे। ड्यूटी हमको कब की लेनी है? दोनों में से विच एवर इज लेटर। तो हमने रेट यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर लिया था 10% है, तो 10% के हिसाब से बेसिक कस्टम ड्यूटी लग जाएगी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज उस पर लग जाएगा जो टोटल आया। सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्या होता है? 10% ऑफ BCD, इवन इफ नॉट रिटन इन द एग्जाम। और ये मैं क्लियरली बता रही हूँ, आधा से ज्यादा लोग जो वहां लिखा रहता है उतना ही याद रहता है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन में साइलेंट रहे तो भी करना है। देन इंटीग्रेटेड टैक्स लग जाएगा 12% ऑफ असेसेबल वैल्यू प्लस BCD प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और यहाँ पे आपकी टोटल ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ गए। अब ये नोट सारे इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ ड्यूटी, इंटीग्रेटेड टैक्स पे, ये सब आपको लिखना है, बट ये रिपीटेशन है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आपको पढ़ना है तो आप पॉज करो और ये एक बार रीड कर लो आपके नोट्स में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 15,000 चैलीज वेर इंपोर्टेड फॉर चैरिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया बाय XY चैरिटेबल ट्रस्ट, द ट्रस्ट डिड नॉट पे Either for the cost of goods or for design development charge, पैसे ही नहीं दिए, which was borne by supplier. Custom officer computed its FOB, अब पैसे ही नहीं दिए, transaction value ही नहीं है, तो फिर तो कस्टम ऑफिसर को ही करना पड़ेगा, तो उसने FOB निकाली कितनी? 20,000 USD, including design and development charges, which was accepted by the trust. Other details were obtained as follows. So फ्रेट पेड, यहाँ पे देखो अब डिटेल्स दी हुई है, फ्रेट पेड की है उसने, क्या एयर वाली फ्रेट है, डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस पेड इन USD, कमीशन पेएबल इन इंडिया, देन ये सारी डिटेल्स आपको दी हुई है, एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय CBIC, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री कब पे आपके? 8/9 को बिल ऑफ एंट्री हुई, एक्सचेंज रेट उस दिन 70 रुपीज था, ये हमने मार्क कर लिया। अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट आपका कब हुआ? 30/9, विच एवर इज लेटर, उस दिन का BCD हमने मार्क कर लिया। इंटर बैंक रेट का कोई मतलब नहीं है। इंटीग्रेटेड टैक्स 12%, ठीक है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हमको पता है 10% हम ले लेंगे। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ व्हाट टोटल कस्टम ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन इंपोर्टेशन, मेक सूटेबल एजम्पशन, ठीक है। तो सबसे पहले FOB जो है आपकी क्या है? 20,000 USD, ये किसने कैलकुलेट करी? अब ट्रांजैक्शन वैल्यू तो है ही नहीं, तो जो कस्टम ऑफिसर ने FOB लिया हम उसी को बेस मान के चल रहे हैं। तो FOB विच इज इंक्लूडिंग वॉट, यहाँ पे लिखा हुआ था इट इज इंक्लूडिंग वॉट? डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस। कस्टम ऑफिसर कंप्यूटेड FOB एट 20,000 इंक्लूडिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस। तो क्या ये जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस आपको वापस से दिया, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्या? नहीं, ऑलरेडी कस्टम ऑफिसर ने उसने FOB में इंक्लूड कर लिया, तो उसका एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है हमको यहाँ पे। ओके, सो FOB कंप्यूटेड बाय कस्टम ऑफिसर आपका यहाँ पे ये आ गया। देन एक्सचेंज रेट हम देखते हैं, एक्सचेंज रेट हमने किसके हिसाब से लिया है? यहाँ पे ऑलरेडी एक्सचेंज रेट अपन ने डिटरमाइन करके रखा है, 70 रुपीज का एक्सचेंज रेट रहेगा। इसके लिए नोट वही लिखा होगा, बिल ऑफ एंट्री के दिन का एक्सचेंज रेट CBIC का आपको लेना है। तो यहाँ पे हमारा FOB इन इंडियन रुपीज आ गया। यहाँ पे इंडियन रुपीज में अभी क्यों कन्वर्ट किया हमने? क्योंकि जो कमीशन दिया हुआ है, दिस कमीशन पेएबल टू एजेंट इन इंडिया इज इन इंडियन रुपीज, ये ध्यान रखना। कोई डेटा इंडियन रुपीज में देगा, कुछ USD में देगा, तो आपको वो प्रॉपरली ध्यान रखना है।
और ये कमीशन का बहुत बार आपको इंडियन रुपीज में डेटा देते हैं। ये लोग क्यों डेटा देते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इंडियन रुपीज में हैं तो आप ऐड नहीं करोगे, बाइंग कमीशन है समझ के या वॉट एवर, बट आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ बाइंग कमीशन वर्ड यूज किया है तो ही आपको ऐड नहीं करना है, अदरवाइज यू हैव टू ऐड इट। ठीक है, सो यहाँ पे हमने कमीशन ऐड किया 12,500 रुपीज, तो एफओबी आ गई वैल्यू हमारी एज पर कस्टम्स। अब एयर था 20% का रिस्ट्रिक्शन चेक कर लेते हैं, तो आपकी एक्चुअल एयर फ्रेट कितनी है यहाँ पे 4,500 यूएसडी, और हम यहाँ पे 20% निकालते हैं तो 2,82,500 आती है, 2,82,500 आती है, और आप यहाँ पे कर सकते हो कन्वर्ट 4,500 इंटू 70 अगर हम करते हैं विच कम्स टू 3,15,000, सो इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 2,82,500। देन इंश्योरेंस दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, तो क्या लेंगे हम 1.125% ऑफ एफओबी, इसके लिए नोट लिख देना है 1.125% ऑफ एफओबी ले लिया, यहाँ हमारी सीआईएफ आ गई विच इज व्हाट असेसेबल वैल्यू आल्सो, और फिर उसके बाद असेसेबल वैल्यू आ गई, उसके बाद आपको कस्टम्स ड्यूटी लगानी है। बीसीडी आप क्या रेट लोगे, हमने यहाँ पे नोट किया था ऑलरेडी 10% का रेट लेंगे हम, बीसीडी का हमने यहाँ पे 10% का रेट ले लिया। सोशल वेलफेयर सरचार्ज बीसीडी के ऊपर 10% आ गया, टोटल हमने निकाला और उस पर लग गया क्या इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एट द रेट ऑफ 12% ऑलरेडी गिवन, एंड द हियर कम्स द टोटल कस्टम ड्यूटी, एंड दिस नोट शुड अगेन आई एम टेलिंग यू इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर एंड यू हैव टू रीड इट वंस, यू हैव टू रीड इट वंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एफ लिमिटेड इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूके इन मे, द डिटेल्स इन दिस रिगार्ड आर एफओबी वैल्यू ऑफ द मशीन 10,000 यूके पाउंड, फ्रेट एयर का 3,000, लाइसेंस फीस द बायर वॉज रिक्वायर्ड टू पे इन यूके, बाइंग कमीशन पेड इन इंडिया, देखो बाइंग कमीशन वर्ड यूज किया, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री 20th 5, उस दिन रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाय सीबीआईसी क्या है 99, ओके, डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट बाद में आ रहा है, रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड इज दिस एंड रेट ऑफ बीसीडी इज दिस, तो हम यहाँ पे आप यहीं पे देखो क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही क्लियर हो गया हमको, सीबीआईसी का बिल ऑफ एंट्री का एक्सचेंज रेट लेते हैं और दोनों में से विच एवर इज लेटर है, मतलब बिल ऑफ एंट्री और अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट विच एवर इज लेटर, उसका हमने बीसीडी का रेट ले लिया। इंटीग्रेटेड टैक्स 12%, इग्नोर जीएसटी, इंश्योरेंस प्रीमियम डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है वो हम देख लेंगे। कंप्यूटर टोटल, यू आर रिक्वायर टू कंप्यूटर टोटल कस्टम ड्यूटी एंड द इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल ऑन इंपोर्टेशन ऑफ द मशीन, यू मेक सुटेबल एजम्पशन वेयर एवर रिक्वायर्ड, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे किससे, एफओबी वैल्यू दी हुई है 10,000, इसमें लाइसेंस फीस क्या हम ऐड करेंगे, क्या हम ऐड करेंगे, 10.1 में हमने क्या पढ़ा था एक बार नोट वन देखेंगे, इंजीनियरिंग डिजाइन चार्जेस लाइसेंस फीस रिलेटिंग टू इम्पोर्ट गुड्स पेबल बाय द बायर एज अ कंडीशन ऑफ सेल, मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड बाय बायर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस आर इंक्लूडेबल एज पर 10.1c, हमने 10.1c में पढ़ा था कि इसको इंक्लूड करना है, सो लाइसेंस फीस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे आपको पॉन्ड्स में दिया हुआ है डेटा, अच्छा यूके पॉन्ड्स में दिया हुआ है डेटा, तो लाइसेंस फीस ऐड कर लेंगे। देखो 10.1 के एडजस्टमेंट के बाद ही, 10.1 के एडजस्टमेंट के बाद ही जो एफओबी आती है उसको हम यूज करते हैं 10.2 के पर्पज के लिए, मतलब फ्रेट के कैलकुलेशन के लिए, जो यहाँ पे एक्चुअल एफओबी दी हुई है वो नहीं लेंगे, एडजस्टेड एफओबी या एफओबी फॉर कस्टम पर्पज उसको लेते हैं हम 10.2 के एडजस्टमेंट्स चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लाइसेंस फीस ऐड की तो हमारे एडजस्टेड एफओबी आ गया, क्या बाइंग कमीशन जो दिया हुआ था, देखो अब यहाँ पे लाइन से एडजस्टमेंट्स देखते हैं, वी हैव कंसीडर्ड दिस, वी हैव कंसीडर्ड दिस, वी आर नॉट कंसीडरिंग दिस बिकॉज बाइंग कमीशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडेड। अब इसके बाद से फ्रेट और इंश्योरेंस के एडजस्टमेंट बचते हैं, मतलब हमारी एडजस्टेड एफओबी आ गई, एडजस्टेड एफओबी आ गई, इसमें इसमें पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज हम क्या ले रहे हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज भाई हमने ले लिया है 99 रुपीज, यहाँ पे हमने देखा था बिल ऑफ एंट्री का, तो यहाँ पे इसे हमने कन्वर्ट कर लिया INR में। एयर फ्रेट क्या होगी, 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी हमने यहाँ पे निकाली, एक्चुअल एयर फ्रेट कितनी है यहाँ पे 3,000 UK pound, 3,000 UK pound अगर हम कन्वर्ट करके देखेंगे 3,000 × 99 कम्स टू 2,97,000, बट इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 20%, दैट इज 2,05,920। उसके बाद आप इंश्योरेंस ऐड करोगे, इंश्योरेंस का डिटेल्स नहीं दिया है तो क्या होगा 1.125% ऑफ एफओबी, वो हमने यहाँ पे कर लिया, तो टोटल हमारे पास सीआईएफ आ गई। उसके बाद तो सेम ही है, रेट ऑफ ड्यूटी आपको क्या लेना है, बिल ऑफ एंट्री और वो जो भी लेटर हमने यहाँ पे मार्क करके रखा था ऑलरेडी क्या 10% लेंगे, 10% आपने क्या ले लिया है यहाँ पे बेसिक कस्टम ड्यूटी ले ली, फिर 10% उस पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज आ गया,
इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होगा, उसके ऊपर होगा, किसके ऊपर, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी प्लस सरचार्ज के ऊपर, जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है उसके ऊपर आप आईजीएसटी लगा दोगे, आईजीएसटी का रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 12%, और ये आ गई आपकी टोटल कस्टम्स ड्यूटी। ये नोट्स जो है, दीज आर इंपॉर्टेंट, यू कैन रीड इट वंस, ठीक है, ये नोट्स आपके एग्जाम में रहेंगे और आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद फटाफट चलो, जो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग के पेजेस में हमारा मास्टर चार्ट था वो हम पढ़ेंगे, अब वो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। ये जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, सो आपको एक्स फैक्ट्री कॉस्ट दी हुई है, आपको कहाँ पहुंचना है ड्यूटी लगाने के लिए, आपको सीआईएफ पे पहुंचना है। तो आपको क्या क्या, अगर आपको एक्स फैक्ट्री दी है उसमें आपने ट्रांसपोर्टेशन ऐड किया, हैंडलिंग लोडिंग चार्जेस ऐड किया, तो क्या आ गई एफओबी वैल्यू आ गई। एफओबी में क्या सबसे पहले 10-2 के एडजस्टमेंट होते हैं? नहीं मैम, 10-1 के एडजस्टमेंट होते हैं, फिर एडजस्टेड एफओबी आती है उस पर 10-2 के एडजस्टमेंट होते हैं। तो 10-1 के एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है? कमीशन, इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क, रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, एनी अदर पेमेंट मेड एज अ कंडीशन ऑफ सेल, ये सारे क्या हो गए आपके 10-1 के एडजस्टमेंट हो गए। आपकी क्या आ गई एडजस्टेड एफओबी आ गई, आपकी क्या आ गई एडजस्टेड एफओबी आ गई। उसमें आप क्या करोगे, आप फ्रेट का एडजस्टमेंट करोगे, 10-2 का आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया विच वॉज रिगार्डिंग अबाउट फ्रेट, और 10-2 का एडजस्टमेंट आपने किया जो क्या इंश्योरेंस, इसको हमने बहुत डिटेल में देख लिया, आपको अभी पता है। बट 10-2 के एडजस्टमेंट जो हम करते हैं फ्रेट के और इंश्योरेंस के, वो क्या नॉर्मल एफओबी पे करते हैं कि एडजस्टेड एफओबी आफ्टर 10-1 एडजस्टमेंट, एडजस्टेड एफओबी या एफओबी फॉर कस्टम्स पर्पस एज पर 10-1 जो हमारे एडजस्टमेंट है उसके बाद जो एफओबी आती है। उसके बाद क्या असेसेबल वैल्यू आ गई, सीआईएफ आपकी जो है वो असेसेबल वैल्यू होती है इम्पोर्ट्स के केस में, ठीक है। अब हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे कि जहाँ पे आपको सीआईएफ दी हुई है तो भी आपको वापस एफओबी फाइंड आउट करनी पड़ती है एयर के केस में, टू चेक रिस्ट्रिक्शन ऑफ 20% एंड डू अदर एडजस्टमेंट्स एज वेल। उसके बाद आप क्या करोगे, बीसीडी, बीसीडी कौन से डेट की लेनी है, बेसिक कस्टम ड्यूटीज आपको कौन से डेट की लेनी है, डेट ऑफ अराइवल ऑफ वेसल और बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर, उस दिन जो रेट इन फोर्स रहेगा वो आप रेट ले लोगे, ठीक है। बीसीडी का आप आ गया, और सोशल वेलफेयर सरचार्ज अगर क्वेश्चन में दिया हो चाहे नहीं दिया हो, हमेशा क्या लेना है 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या रहेगा बेटा, आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज। फिर आप क्या टोटल करोगे, सीआईएफ प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, यहाँ जो आपका टोटल वैल्यू आएगा ये क्या रहेगा, दिस इज द वैल्यू फॉर अप्लाइंग आईजीएसटी, जो भी आईजीएसटी का रेट एप्लीकेबल रहा रहेगा वो आप वहाँ पे आईजीएसटी लगा दोगे, उतना आईजीएसटी आप लगा दोगे। तो ये क्या चीज़ है, ये आपको एग्जाम के पहले सुबह सुबह देख के जाना है। इट विल कंसिडर ऑल द थिंग्स, इट विल कंसिडर ऑल द एडजस्टमेंट जो हमारे 10-1, 10-2 के हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ एक्सपोर्ट वाले रूल्स पे। सो नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। अभी तक क्या देखा, इंपोर्टेड गुड्स का वैल्यूएशन, अब एक्सपोर्ट गुड्स के केस में वैल्यू क्या रहेगी बेटा, वैल्यू रहेगी ट्रांजैक्शन वैल्यू, जहां पे बायर और सेलर जो है बेटा क्या रहेंगे, रिलेटेड नहीं है, और अगर रिलेटेड है और रिलेशनशिप में प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं किया तो फिर ये प्राइस ले लेंगे क्या, ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर नहीं हो पाता है रूल 3 से वैल्यूएशन तो फिर हम रूल 4 में जाएंगे, मतलब कि कंपैरिजन वाली वैल्यू लेंगे। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स शैल बी बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, लाइक काइंड एंड क्वालिटी, वहां पे क्या वर्ड यूज किया था, आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स लेते थे, फिर डिडक्टिव वैल्यू, फिर कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ पे क्या लेना है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स लेंगे, एक्सपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम टू अदर्स बायर इन सेम डेस्टिनेशन कंट्री ऑफ इम्पोर्टेशन और इन एबसेंस ऑफ अनदर डेस्टिनेशन कंट्री ऑफ इम्पोर्टेशन एडजस्टेड इन अकॉर्डेंस विद रूल 4। कंप्यूटेड वैल्यू, अगर यहाँ पे हमको कंपैरेटिव वैल्यू नहीं मिलती, लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स नहीं मिलते, तो फिर कंप्यूटेड वैल्यू निकालेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग जो भी है, प्लस चार्जेस, प्लस अमाउंट टुवर्ड्स प्रॉफिट। ये निकालना फिर भी इजी है एक्सपोर्ट के केस में, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ का वैल्यू निकालना, इंडिया की कॉस्टिंग वगैरह मिलना थोड़ा आसान रहेगा। रेसिडुअल मेथड, अगर एक्सपोर्ट गुड्स की वैल्यू यहाँ 4-5 रूल से डिटरमाइन नहीं होती है तो इट विल बी डन एज पर रीजनेबल मींस कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल एंड जनरल प्रोविजंस ऑफ द रूल्स प्रोवाइडेड दैट लोकल मार्केट प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स मे नॉट बी द ओनली बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। तो यहाँ पे बेटा ये बहुत सिंपल है, एक्सपोर्ट गुड्स का प्रॉब्लम तो हार्डली 1% चांस है कि आपको आएगा, आएगा तब आपको क्या लेना है, मैं आपको अगर प्रॉब्लम, हमने वहां इंपोर्टेड गुड्स का क्या देखा था, एक फॉर्मेट ऑफ वैल्यूएशन देखा था। एक्सपोर्ट गुड्स के केस में कुछ भी नहीं है, आपने एफओबी लेना है, एफओबी पे आपके जो भी टैक्सेस दिए हुए हैं, बीसीडी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, आईजीएसटी एंड ऑल दैट आपको लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, एफओबी लेना है। इंपोर्टेड गुड्स में सीआईएफ फाइंड आउट करना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग प्रोसेस है, उसमें 10-1, 10-2 के एडजस्टमेंट्स करने हैं आपको, इंश्योरेंस के, फ्रेट के और सारे जो भी एडजस्टमेंट्स है, और उसके बाद फिर आप किस पे पहुंचते हो बेटा, सीआईएफ पे, जिस पे ड्यूटी लेवी होती है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे बहुत ही फास्ट हम लोग गए, बट रिविजन में इतना ही टाइम है आपके पास भी, मेरे पास भी, एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर बेटा। थैंक यू फॉर नाउ।